वाला खाएंगे आस भाई, इतना बड़ा मछली मिला है ना, सकेंगे इतना बड़ा है, देखो जिंदगी है गांव का लाइफ बस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है और एक नए ब्लॉग्स में। सो अभी बात करके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लगभग 7 बज गया, अभी नाश्ता का तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, ये हम लोग कहते हैं इसको जर्बमुक्के बीजी बोल, यानी जंगल में मिलता है ये आदमी लोग उगाते नहीं है दोस्तों, ये जंगल में पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग का उधर है कि नहीं कमेंट में बताना। यहाँ पे जो लंबा लंबा दांदा होते हैं, मैं वो उसको निकाल के यही रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, इतना सारा दांदा यहाँ पे गिरा के रखा है मैं। और ये सिदोल के भी खा सकते हो, चावल का ग्रेवी देकर और ऑयल से भी फ्राई करके खा सकते हो, इतना टेस्टी होता है ना। और इसका पत्ता है जो इतना टेस्टी है पत्ते। अभी तो पत्ता का सीजन नहीं है, ये सीजन जाएगा तो पत्ता निकल आएगा, पूरा नया नया करके पत्ता रहते हैं, वो पत्ता फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी होते है। और बापू तो बाहर खेल रही है, मनोज का पापा गए है नीचे में। अभी मनत का मामी जो है लंच का तैयारी कर रहा है दोस्तों, और लंच का तैयारी करने के बाद आज तो यहाँ पे इतना ब्लॉग नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि शाम को जा रहे हैं हम लोग मछली पकड़ने। अभी तक कॉम्पर्म नहीं हुआ, क्योंकि जो हम लोग चीज मछली पकड़ने के लिए जाएंगे वो चीज अगर मिलेगा तो बाजार में गया है और एक भाई ने, तो अगर मिलेगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे एक रात कैंपिंग करेंगे और बहुत बढ़िया होगा आज ब्लॉग। काफी दिन से आप लोग घर का ब्लॉग देख के बोर हो रहा होगा, तो इसी कारण हम लोग कभी कभार ऐसे जंगल का ब्लॉग भी डालने से अच्छा रहता है आप लोग के लिए, हम लोग के लिए। तो लंच वगैरह भी हो चुका है दोस्तों, है। बात मैंने फ्रेंड को फोन किया है जो भाई ने गया था तोशोंग में, जो हम लोग पकड़ने के लिए जाएंगे ना मछली, वो शीश लाने के लिए उसको मिला है, बोल रहा था अच्छी बात है, तो हम लोग जाना तो कंफर्म हो जाएगा, मिला है तो कितना बजे जाते हो अभी प्लान कर लेंगे। अभी जाऊंगा नीचे में मैं प्लान करने के लिए, टाइम आ चुका है जाने के लिए। वैसे भी मैंने कब से पैकिंग कर रहा था, पूरा पैकिंग हो चुका है, यहाँ पे कपड़ा वगैरह और मेरे लिए कपड़ा जम्पर सब लिया है मैंने। एंड यहाँ पे है बाजार, जो बाजार मतलब जो चावल जो भी चाहिए, जो नमक हल्दी वगैरह, वो हल्दी तो लिया नहीं, वो लोग लेगा शायद हल्दी, अभी याद आ गया मेरे को। और अभी टाइम आ चुका है मन का हमको और बापू को छोड़ने के लिए, ठीक है बाबा। और ज्यादा नहीं पीना है, ठंडा ताजा नहीं पीना, आपका वो नाक अभी भी बंद है, ज्यादा नहीं देना, पानी आते हैं, हाँ पानी आते हैं, वही बंद है ना सांस लेने में। और ठीक है रोलो, और वो बात कर लेना हाँ सासू माँ से। इन लोग भी फोन कर रहा है यार, आजाओ आजाओ बोल के, तो ले तो रहा हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ मैं, पूरा पैक वगैरह देखो लिया ऐसे, ठीक है बाय बाय, बाय 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 बाबा, बाय बाय, मैं भी जाऊंगा बोल रहा है हाँ। और अब नहीं जाएगा ठीक है, अब अच्छे बच्चे की तरह रहना हाँ, नानी के साथ बात कर लेना हाँ, ओके ओके ठीक है ठीक है, मेरे को देखेगा वो, जाने के लिए जीत नहीं करेगा बोल रहा है। तो अभी जाते हैं और फिर लोग भी वेट कर रहा है वहाँ पे, हम लोग सब लोग आ चुका है, चार आदमी जा रहा है दोस्तों। एक्चुअली ये नाव से जाएंगे हम लोग, जो छोटा छोटा नाव है ना हम लोग अक्सर यूज करते हैं बाजार वगैरह जाने में, जब पानी भरा हो जाता है, अभी तो पानी सूख गया है तो इसी के कारण, और गाड़ी भी उस ऊपर तरफ पार होता है, तो यहाँ से गाड़ी से जा सकता है तलाबुंग। और बाकी जो बड़ा पानी टाइम में, जो बारिश का टाइम है, यही बोझ से हम लोग सहारा लेके तलाबुंग जाते हैं मार्केट, इसे ये पानी होके। और देखो अपना सामान जितना भी है, चाहिए चार जा रहा है, यहाँ पे एक बाई और यहाँ पे एक और वहाँ पे एक बाइक और मैं, चार लोग जा रहे हैं। हो गया है स्टार्ट हम लोग का बोट देखो, और अब पोक गया, पूरा ठीक करना पड़ता है बोट को, और स्टार्ट हो गया देखो, दो पीछे में है, आगे में एक और मैं मिडिल में, तो वहाँ से ही गाड़ी पार होते हैं हम लोग का। और नज़ारा यहाँ से देख लीजिए, जब व्हाइट व्हाइट देख रहा है ना आप लोग, वो वाला सब जूम कल्टिवेशन कटा है यहाँ का गाँव वाला ने, सब 95% लोग जूम कल्टिवेशन ही करता है यहाँ पे। ओ नमना पड़ेगा भाई, नमना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा इसको, उतरना पड़ेगा। पूरा एकदम पत्थर पत्थर है ना ये, इसलिए इसको इसके तेल के लेके जाना पड़ता है, मैं इतना पिसल जाते हैं ना।
कतराने। ये देखो इसे अभी और स्टार्ट किया है, थोड़ा देर के हम लोग पूछ मार मार के लेके आया है तेल तेल के। ये सब पत्थर पत्थर है ना, तो इसलिए दोस्तों आराम से थोड़ा देर तक जा सकेंगे, अभी बैठ के आराम से थोड़ा एकदम हवा खा खा के। तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग दोस्तों, और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके, बहुत दिल माइंड फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे देखिए पूरा पत्थर पत्थर है, अगल बगल में पूरा पत्थर पत्थर है। ये देखो ऐसे डेंजर रास्ते पे हम लोग जाते हैं, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रिक्स ही है काफ़ी, क्या करें। ये देखो छोटा सा कोई जगह नहीं है जाने का, फिर भी हम लोग जाते हैं। तेल के लेके जाना पड़ेगा। अपना डिस्टिनेशन तक पहुंच गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, और यहाँ तक ही बोट जा सकता है, इसका ऊपर में नहीं जा सकता। यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा हम लोग को लगभग 10-15 मिनट, ऐसे ही लगेगा 15-20 मिनट, ऐसे ही पैदल जाएंगे मेन जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अभी ये जितना भी सामान लेके ना, ये सब लेके जाना पड़ेगा हाथ में पकड़ पकड़ के, थोड़ा निकाला है। तो अभी जाएंगे हम लोग एक्चुअली यहाँ फिलहाल के लिए, बोट वहाँ पे अच्छा से रख रहा है। आप देख ही लीजिए पत्थर, देखो बड़ा बड़ा पत्थर, यहाँ पे भी पत्थर, वहाँ पे भी पत्थर, पूरा पत्थर ही पत्थर है। और अभी हम लोग जाएंगे, अभी तक पहुँचा नहीं, थोड़ी देर में पहुँचेंगे 10 मिनट के बाद। और जहाँ पे जा रहे हैं बहुत ही मुश्किल है, पीछे पीछे आ रहा है देखो भाई, इतना मुश्किल है, पत्थर पत्थर है ना, क्या करे, यही तो है रास्ता। यहाँ पे आराम से भी सो सकते हैं, आराम से भी खाना खा सकते हैं। और तीन दोस्त आ रहा है, तीन भाई पीछे पीछे। आज रात यहाँ पे एक रात कैंपिंग करेंगे हम लोग, कपड़ा वगैरह सब लेके आया है, जो भी हम लोग को चाहिए दो बार खाना खाने के लिए सब लेके आए। बाकी हम लोग को खाली मछली ढूंढना है, खाने के लिए मिलने से बस काफ़ी है, देखते हैं शायद खाने के लिए भी ना मिले। ये देखो दोस्तों कोई ज़िंदगी है, गांव का लाइफ ऐसा ही होता है, जाओ ढूंढो खाओ फिर ना। तो बंद है यहाँ पे, पीना बंद है मेरा गांव में, कोई भी अभी पहले खुला था अभी बंद हो गया, अच्छी बात है। ओ, इतना धूप पे भाई प्यास लग रहा है, पूरा गला सूख गया है। ये भी बहुत दूर है ना, तो उससे जहाँ पे हम लोग बहुत चोर के आया था उसका ऊपर बहुत आ नहीं सकता है, पूरा पत्थर ही पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर, इसलिए रिक्सी है। अभी तक एक आदमी भी नहीं आया शायद, ऐसे फाइनली पहुंच गया है दोस्तों। दोस्त लोग तो अभी आ रहा है, भाई लोग जो है अभी भी पहुंचा नहीं, पहुंचेंगे वो आ रहा है देखो। और ये देखो लोग यहाँ पे आना जाना होता है, आता ही रहता है लोग यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे ही खाना बना, उस दिन आया था हम लोगों ने देखा होगा पुराना ब्लॉग में, जो पहले से जुड़ा है मालूम हुआ, यहाँ पे हम लोग खाना बनाया था। और कहाँ सोया था हम लोगों ने, लुक्की भाई और मैं यहाँ पे ही सोया था, ये इस पत्थर के ऊपर। ये देखो ये बड़ा वाला पत्थर के ऊपर हम लोग यहाँ पे ही सोया था, बाकी यहाँ पे रहना है आज हम लोग को, एक रात गुजारना है और मछली कहाँ ढूंढना है। ये देखो इतना बड़ा जो पानी है, इसमें ही ढूंढना है हम लोग को मछली, और इसमें धमाका लगा के ढूंढेंगे मछली वगैरह। देखो सब सामान यहाँ पे रख रहा है, और शाम को यहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा, अभी तो एक बसने वाला है लगभग। और लोग आते आते कहाँ सोता है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ यार वो ठेंग वगैरह रहता तो कितना बढ़िया होता ना, जो ठेंग
जो यूट्यूबर लोग नहीं घूमते उसे वाला थैंग होता तो ये देखो, इसमें बिछा के आराम से रह सकता था यहाँ पे थैंग लगा के। फिर भी अगर एड्रेस वगैरह मेरे को भेज सकूंगा तो बहुत जल्द पहुँचेगा मेरा थैंग। अभी देखते हैं कितना बजे हम लोग मछली पकड़ते हैं। पहली बार तो हम लोग डायनामो जो पकड़ते हैं, हम लोग बेहतरीन डायनामो वो भी लेके आया है, उससे भी पकड़ेंगे और धमाका वाला भी लेके आया, वो धमाका से भी पकड़ेंगे। अभी रेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, इतना दूर है ना ये, बहुत दूर है। अभी पानी पीने का मन कर रहा है, अभी पीना पड़ेगा। अभी देख रहा है भाई लोग कहाँ पे पकड़ने से ठीक हो जाएगा, वही अपना सामान सब यहाँ पे। अभी देखता हूँ वहाँ पे एक नाला था, मतलब पानी का छोटा सा नदी था। पानी वगैरह जो है सब सूख गया है, पहले उस जब आया था हम लोगों ने यहाँ पे ही पानी हम लोग लेके गया था, यहाँ से पानी लेके खाना बनाया था, तो हम लोग घर से भी पानी लेके नहीं आया था यार, यहाँ से ही पीना पड़ेगा, क्या करें। अभी मैं यहाँ से पानी पीना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसे ही पीऊँगा क्योंकि पानी ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन छोटा छोटा नदी भी नहीं है। और मैं इस तरफ आया था जो इसको बोलते हैं तिमारी, आप पहले भी बताया मैं आप लोग, उस टाइम तो पानी बहुत भरा था। तो इसके आगे में एक ब्रिज है, बेम्बू का ब्रिज, और आगे में मैं दिखाऊँगा शाम को, नहीं तो कल दिखाऊँगा मैं, एक बार दिखाऊँगा। और यहाँ पे इतना सारा स्नेल है, देखो ये देखो बहुत स्नेल ज़्यादा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए इतना स्नेल है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से पीऊँगा लेकिन गंदा है पानी, क्या करें, पानी होता है। अभी धमाका वगैरह जो लेके आता दोस्तों वो लोग फेंकने के लिए जा रहा है, मैं तो नहीं फेंकता हूँ क्योंकि एक बार भी मैंने नहीं फेंका है। उस तरफ एक गया है, इस तरफ दो जा रहा है, ऐसे ही पक मतलब राउंड करके ये लोग फेंक देंगे धमाका, और देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। एक दो खाए मिलने से भी हो जाएगा खाने के लिए, और घर में भी लेके जाना है यार, मन्नत कमाई बोल रहा था मछली लेके आना। क्या करें, मिलेगा तो लेके जाएंगे, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे ना। तो अभी मैं यहाँ पे रेस वगैरह करूँगा और धमाका हो जाएगा, तब अगर मछली मिलेगा तो उसको उठाएंगे। अभी हम लोग धमाका फेंकने बाद कितना मिला है दिखाता हूँ आप लोग को दोस्तों, ये देखिए इतना मिला है, एक किलो तो हो जाएगा आराम से, इतना बड़ा बड़ा मछली मिला है। और यहाँ पे एक ये पुराना वाला है, ये दूसरा लोग कल शायद कल पकड़ा था, कल धमाका फेंका था शायद, उसमें नहीं मिला इन लोग को, हम लोग को मिला है। अच्छा है अभी भी, अभी एकदम मस्त है, ये खाएंगे। ये देखो उस दिन किरवा भाई लेके आया था ना, उस वाला मछली भी मिला है, देखिए दोस्तों ये तो एक किलो आराम से हो जाएगा, एक किलो से ज़्यादा हो जाएगा, डेढ़ किलो इसे होगा, और ये तो किलो हो जाएगा, हाफ किलो से ज़्यादा ये देखो। तो मैंने तालाब पे निकाल दिया, देखो ये डेढ़ किलो वेट मापा है मैंने, ये हाफ किलो दो किलो, दोनों मिलके दो किलो मिला है हम लोग को। इसमें से करेंगे शाम को डिनर हुआ करेंगे, और देखते हैं हम लोग और डायनामो बैटरी भी लेके आता है ऐसा, और इसमें भी पकड़ेंगे हम लोग, देखते हैं कितना मिलता है। और क्योंकि हम लोग आज रात रुकेंगे, और कल अभी जो धमाका फेंका है, कल भी अभी जो मरा है अंदर में वो शायद ऊपर में नहीं उठा होगा, कल भी उठ सकता है, तो इसी के कारण हम लोग वेट करेंगे कल तक, कल शाम को ही जाएंगे हम लोग, कल सुबह खाएंगे खाना और शाम को ही जाएंगे, शाम को। और इससे जो हम लोग बेहतरीन डायनामो लेके आए थे ना उससे पकड़ेंगे दोस्तों। जो सोच रहा था वो मिल गया है, भाई ने मेरे को बुला रहा है, जो साट के लेते हैं वो वाला लेके आओ, जाला लेके आओ, जला लेके आओ बोल रहा है, तो मैंने लेके गया तो एक तो मिला है, देखो तीनों बड़ा मछली अभी भी जिंदा है, ये देखो एक किलो से ज़्यादा हो जाएगा। वो वाला नहीं है, पहले जो दिखाया था वो क्लीन कर रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन ये बढ़िया है भाई, ये अभी भी जिंदा है, ये देखो भाई इतना बड़ा मछली मिला है ना, अच्छा है, ये बढ़िया है, बहुत ही खुशी लगा, घर में भी लेके जा सकेंगे, इतना बड़ा है देखो, ये बढ़िया है। वो वाला तो जो कल का वाला तो वो क्लीन कर रहा है, ये एक किलो हो जाएगा आराम से, ये लेके जाएंगे परिवार के लिए, बाकी ये भी लेके जाएंगे जो बड़ा बड़ा है, बाकी ये खाएंगे, ये बॉईल करके खाएंगे। और एक जो वहाँ पे जो अंकल क्लीन कर रहा है, मैं दिखाता हूँ वो वाला, तो ये वाला क्लीन कर रहा है, क्लीन हो चुका है, ये देखो ये क्लीन हो चुका है, ये देखो ये वाला, लेकिन अंदर वाला फेंक दिया है, वो भी टेस्टी होता है, ऐसा वाला सेम वाला ही मिला है हम लोग को, यही खाएंगे बेम्बू में डाल के, बाकी यो जो है वो लेके जाएंगे। तो एक्चुअली अभी डिनर का तैयारी कर रहा है दोस्तों, थोड़ी देर में सूरज भी डूबने वाला है, देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बाकी वहाँ पे धूप है, यहाँ पे पूरा छाव पड़ गया है, अच्छा लग रहा है। मैंने राइस दे दिया है, देखो कितना बड़ा, जिनमें ये बनाते बनाते हम लोग ये उबाल के रखा है खाली, ये बॉयल मछली बॉयल पानी के साथ, ऑयल वगैरह कुछ भी डाला नहीं, नमक, क्योंकि हम लोगों ने एक पोपट हो गया, पोपट मतलब वो हल्दी वगैरह, चार आदमी आया ना हम लोगों ने, एक लोग भी हल्दी नहीं लेके आता यार,
कैसा हुआ? बिना हल्दी से सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो आप वो मछली मीट में ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा तो उसमें ज़रूरत है। बाकी आप दूसरा चीज़ कार तो बेस कार है तो उसमें चलता है बिना हल्दी का, लेकिन मछली और मीट में तो नहीं चलता है भाई। ये देखो ये कैसे बनाएंगे अगर हल्दी नहीं, तो एक भी हल्दी नहीं लेकर नमक सीधोल सब कुछ लेके आया हम लोगों ने, प्याज मिर्ची अदरक जो भी है सब कुछ लेके आया, बाकी हल्दी लाना भूल गया, सब लोग हल्दी लेके नहीं आया। तो क्या कर रहा है, दो भाई ने गया है ऊपर तरफ, वहाँ पे घर है बोल रहा था, थोड़ा दूर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से हल्दी लाने के लिए गया है दोस्तों, क्योंकि हम लोग बड़ा बड़ा जो मछली मिला है ना वो बेम्बू में पका के लेके जाएंगे परिवार के लिए, तो वो हल्दी वगैरह नहीं होगा तो कैसे खाएगा, पूरा उसमें ऑयल वगैरह भी नहीं है तो बदबू आता है, तो इसी के कारण। बाकी मेरा जो राइस देखना पड़ेगा भाई क्या हो रहा है। ओह वहाँ पे मछली वगैरह क्लीन कर रहा है अंकल ने, और बाकी दो भाई जो हल्दी लाने गया है, बाकी मेरे को ये राइस पकाने के बाद उन लोगों को वेट करना है जब तक हल्दी नहीं पहुँचता है। देखो हम लोगों को खुशबूदार पत्ते भी लेके आए हम लोगों ने, और रसीले भी लेके आया खट्टा वाला ये बॉयल में देने के लिए, और हल्दी नहीं है बिना हल्दी का। अगर वो लोग देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर वो लोग को वेट करेंगे, वो लोग वहाँ पे नहीं मिलेगा तो इसे बिना हल्दी से बनाना पड़ेगा, क्या करें पोपट हो गया एकदम। आज यहाँ पे ही सोएंगे हम लोग बढ़िया करके। देखो यहाँ पे टेन वगैरह लगाने से भी अच्छा था ना, और उस दिन वही भी उसमें सो गया था हमने। देखते आज कहाँ सोते हो, हमें यहाँ पे ही सोना पड़ेगा। सब लोग कपड़ा वगैरह लेके आया हम लोगों ने, लोग भी पहुँच गया है कि वहाँ पे हल्दी वगैरह देखने के लिए गया था, लेकिन वो जो पाउडर वाला हल्दी वो नहीं मिला है, लेकिन ये ताज़ा वाला हल्दी मिला है, इसमें से काम चलाना पड़ेगा। देखो ये एकदम फ्रेश वाला, फिर भी सकते हैं ये भी अगर नहीं रहने से। और यहाँ पे हो रहा है मछली बॉयल, खाली पानी प्याज और वही ताज़ा हल्दी दिया है, एकदम कुछ भी क्लीन नहीं किया हम लोगों ने, ऐसे ही दे दिया मछली को बॉयल में। और यहाँ पे हो रहा है मछली के अंदर जो है, जो हम लोग फेदा बोलते हैं, वो हो रहा है अभी। देखो टिक्का चटनी होगा ये, बाकी ये जो मछली है ये बेम्बू में बनाएंगे, ये लेके जाएंगे, ये वाला जो है ये वाला फैमिली के लिए थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे, ये दो जो है। लेकिन हल्दी नहीं है उसके लिए बहुत ही बुरा लगा यार, सबसे बुरा तो ये लगा। ये वाला खाएंगे आज सब खाएंगे। ओ पूरा गिर जा रहा है, देखो पानी ज़्यादा हो गया, उबल रहा है भाई, पानी कम आग कम करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डिनर कंप्लीट हो चुका है, बाकी और एक ही बचा है जो हम लोगों ने जो खाने के लिए ये वाला आज खाएंगे, और बाकी वाला वो लेके जाने के लिए कल, और ये भी लेके जाने के लिए दो बेम्बू में दिया है लेके जाने के लिए। अभी मैं नहाऊंगा, नहाने का प्रेस अप हो जाऊंगा, उसके बाद डिनर करेंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है, पूरा ही रेडी हो चुका है दोस्तों, बाकी हो खाने वाला वो भी रेडी हो चुका है। बाकी ये नहीं खाएंगे, वो तो पहले ही बताया लेके जाएंगे बोल के, अभी करेंगे हम लोग डिनर। हुआ मैं नहा धो के भी फ्रेश अप हो चुका हूँ, देखो एकदम फ्रेश अप, ड्रेस वगैरह भी चेंज किया है मैंने, तो अभी खाएंगे डिनर। हुआ दोस्तों डिनर का टाइम आ चुका है, यहाँ पे देखिए अपना थाला भी लेके आए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एकदम केला का पत्ते नहीं मिलता है अगल बगल में, देखो पूरा केला का पत्ते नहीं है। अगर केला का पत्ते मिल जाता तो हम लोग ये बर्तन वगैरह लेके आने का ज़रूरत नहीं पड़ता। प्लेट जो अपना मछली है देखो, फिर भी हल्दी थोड़ा बहुत तो आया है कलर लेकिन जो वो मिलता है ना उसका सेम तो नहीं है। ये देखो मछली बॉयल, यहाँ पे है मछली बेम्बू में, अभी खा रहे है। मछली बहुत टेस्टी हुआ, ये देखो बॉयल वाला, ये भी खाएंगे। मस्त है। यहाँ पे एक भाई और यहाँ पे अंकल, हक्का बुलाता हूँ मैं, ये भी यहाँ पे एक भाई, सब बड़े भाई है। और ये वाला तो मेरे को अच्छा लगता है, फायदा है। ये अभी दीदी ने कॉल कर रहा था यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क थोड़ा थोड़ा है यहाँ पे, अभी जस्ट कॉल किया है उसने। पेड़ा खाएंगे मछली का अंदर वाला, बस हो गया, ऐसा मत समझना। तो हम लोग ड्रिंक वगैरह लेके आया, ड्रिंक वगैरह कुछ भी लेके नहीं आया, अल्कोहल
क्योंकि हम लोग का गांव में अभी पूरा बंद है, पहले भी बताया मैंने। अभी पकड़ा जाएगा तो 5000 रुपीस फाइन भरना पड़ेगा। ड्रिंक पी के पकड़ा जाएगा तो अरे उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। तो अभी डिनर हो चुका है, एकदम पेट फूल करके खाया है दोस्तों। इतना पेट भर गया था ना, एकदम मछली के साथ पूरा फिनिश कर दिया हम लोगों ने। थोड़ा बचा है बॉयल वाला, ये देखो ये भी रात को खाएंगे। और थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोगों ने थोड़ा थामूल वगैरह खाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद मछली और पॉर्क जो भी हो मीट के साथ खाना खाने के बाद हम लोग थामूल वगैरह खाते हैं, पान वगैरह। तो उसके बाद रेस्ट करके बढ़िया करके एक घंटा से रेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग डायनामो बैटरी जो लेके आता उससे पकड़ के जाएंगे। ऊपर में जाएंगे ना नीचे में जाएंगे अभी कंफर्म नहीं है। अभी अपना बिस्तर है, तैयारी कर रहा है कि हम लोग कहाँ सोएंगे। यहाँ पे ही सब लाइन करके सोएंगे, देखो वहाँ पे दो है और यहाँ पे मैं यहाँ पे ही सोऊंगा मैं इधर इस तरफ प्लास करके। और दो थोड़ा देर अभी रेस्ट कराए, रात हो चुका है और थोड़ा देर में हम लोग मछली पकड़ने और स्नेल वगैरह उठाएंगे। और ये अच्छा है मेरा कपड़ा भी निकाल लिया है, लेकिन इतना ठंडा नहीं है अभी, लेकिन रात को ठंडा लगेगा शायद। ये भी एक है, वहाँ पे एक है और यहाँ पे एक लेटेगा। और एकदम ओरिजिनल वाला फिलो भी मिल गया है, ये देखो पट्टर दो ओरिजिनल। तो अभी जाएंगे हम लोग दोस्तों फिशिंग करने के लिए। पहली बार तो दो फिशिंग करने के लिए जाएंगे और दो स्नेल वगैरह उठाने के लिए जा रहे हैं लोग। ये लोग नीचे में जाएंगे, हम लोग ऊपर में जाएंगे, क्योंकि फिशिंग करेगा तो स्नेल उठा नहीं पाते और स्नेल उठाएगा तो फिशिंग कर नहीं पाते, वही है। फिर देखिए तो भाई ने कितना सारा मछली निकाल के रख दिया है, ये तो बड़ा है देखो। उस दिन कृपा भाई लेके आया था ना हुसा वाला मछली है देखो, और सोता सोता भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी आ चुका है हम पकड़ के आ चुका है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा देर हम लोग पकड़ा है, कितना मिला है मछली, ये तो एक किलो के आसपास हो जाएगा भाई, कितना सारा मछली मिला है। और ये ऐसे ही रखेंगे बोल रहा है, नहीं तो डायरेक्ट क्लीन करेंगे तो अच्छा रहता मेरे काल से देखो। और अभी हम लोग सोने के लिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, और कैसा लगा ब्लॉग को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। आपके लिए भी ऐसा ही मैं आता हूँ, आप लोग के कंटेंट के लिए, ऐसा नहीं है मैं खाली मछली खाने के लिए और मछली मिलने के लिए आता हूँ, कॉन्टेंट के लिए भी आता हूँ मैं आपके लिए। बस गुड नाइट सभी को, बाय बाय।